रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 18 और 19 की प्रिपरेशन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों की लेसन नंबर 18 और 19 जो बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनी हुई है ना, तो उसका मतलब सिर्फ व्यूज़ लेना है उनका मकसद। बिकॉज 18 और 19 में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप जो है अपना टाइम जो है वो वेस्ट करें या इतनी लंबी लंबी थ्योरी पढ़ें। मतलब टू दी पॉइंट जो है वो हमने प्रिपरेशन करनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें देखें कि इनमें ऐसा क्या है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने जिसको फॉलो करना है, ठीक है। तो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर लेटर है, ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर है। और आपने इसमें ये याद रखना है कि जब हम भी हमने किसी कंपनी के इनसाइडर्स को रिक्वेस्ट करनी है तो हमने किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने बस याद रखने हैं, ठीक है। ये हो गया 18 लेक्चर। मैं आपको समझाऊंगी भी, मैंने इसकी एक पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन भी तैयार की है जिसे मैं आपको समझाऊंगी कि हमने इसको सिर्फ किस तरीके से प्रिपेयर करना। सिर्फ 2 पेजेस की है। उसके बाद अगर लेक्चर नंबर 19 आप देखें तो उसमें भी कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप पॉजिटिव मैसेज भी पढ़ चुके हैं, मेन आइडिया भी पढ़ चुके हैं कि हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। मैसेज के अंदर नेसेसरी डिटेल्स हम किस तरह से लिखते हैं, आप वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जस्ट आपको यहाँ पे न्यू चीज़ क्या पढ़नी है वो ये कि इसमें बस 2 चीज़ें ऐसी हैं तो आपने सीखनी है। वो होता है कि हमने अपने क्रेडिट को जो प्रूव कैसे करवाना है और क्रेडिट के रेफरेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, बस ये चीज़ें मैंने एज एन आउटलाइन आपको बताई हैं कि हमारे लेसन नंबर 18 और 19 की आउटलाइंस क्या हैं, ठीक है। तो वो तो बहुत लेंथी आउटलाइंस थी, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने वही एज एन आउटलाइन आपको जो है प्रेजेंट की। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने इस लेसन को 18 और 19 को एज एन शॉर्ट क्वेश्चन और एज एन MCQs प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट होती क्या है। बेसिकली जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट होती है ये वर्क्स वेल व्हेन योर रिक्वेस्ट रिक्वायर्स नो स्पेशल टैक्ट और पर्सुएशन। जब आप ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है आपकी रिक्वेस्ट, ठीक है। और जब ये तब की जाती है जब आपके पास कोई स्पेशल टैक्ट और पर्सुएशन जो है वो ना हो, तब आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर लेटर क्या होता है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या आपको पूरी स्टेटमेंट देने के बाद कह दे कि इज कॉल्ड, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डर लेटर जो है उसको हम PO भी कहते हैं, यानी परचेज ऑर्डर लेटर। याद रहे ऑर्डर लेटर इज ऑल्सो नाउन एज PO, यानी परचेज ऑर्डर लेटर। थर्ड देखें ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर के ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, तो हम कह सकते हैं टू प्रोवाइड द वेंडर विद डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस टू फुलफिलिंग एन ऑर्डर। हम क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्डर लेटर के अंदर, हम वेंडर प्रोवाइड करते हैं डिटेल के साथ, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हमारे ऑर्डर को फुलफिल करती हैं। उसके बाद है कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज क्या होता है, जिसके अंदर हम रिस्पॉन्स करते हैं इंक्वायरीज और कंप्लेंट्स का अपने कस्टमर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज और कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। कि जो कस्टमर सर्विस, मतलब एक आप बैंक में जाएं तो एक कस्टमर ऑफिसर बैठा होता है जो आपको ये फैसिलिटेट करता है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करें ATM या कार्ड, किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिहाज से, या फिर वो आपको अपने बैंक के बारे में सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि ये फैसिलिटीज हैं, ये हैं, या आप ये अवेल करें, ठीक है। तो ये होगी कस्टमर सर्विसेज। उसके बाद होता है क्रेडिट रिक्वेस्ट। क्रेडिट रिक्वेस्ट में क्या होता है, ये एक क्रेडिट की रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। इज द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट। हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं जिसमें अपने क्रेडिट के लिए। नेक्स्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन हैज टू बेसिक पर्पज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिजनेस कम्युनिकेशन के कितने पर्पज हैं, तो आपने कहना है 2 पर्पज हैं। कौन कौन से हैं इनलिस्ट करें। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बिजनेस कम्युनिकेशन के कोई से 2 पर्पज जो है वो इनलिस्ट करें, तो आपने ये बताना है टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के जरिए अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। सेकेंडली हम क्या करते हैं टू प्रोड्यूस इन द ऑडियंस ऑफ फेवरेबल। हम जो है ऑडियंस को फेवर करते हैं, ठीक है, कि एटलीस्ट जो है वो एक्सेप्ट करें एटीट्यूड्स और रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट देखें एक्नॉलेजमेंट लेटर क्या होता है। एक्नॉलेजमेंट लेटर हम तब लिखते हैं सेंड टू अ कस्टमर कंफर्मिंग द रिसिपेंट ऑफ एन ऑर्डर पेमेंट और इंक्वायरी।
जैसे कि हमने लेटर दिया या लेटर सेंड किया या फिर कोई मैसेज आ जाता है ना जब कोई हम अपनी अमाउंट विदड्रॉल कराते हैं, ठीक है। तो फिर ये वही कह रहा है, एक्नॉलेजमेंट लेटर हम तब सेंड करते हैं जब हमने कंफर्म करनी हो किसी चीज़ें। लाइक आप अपने जीमेल अकाउंट जो है वो जब इंटर करते हैं तो आपने उसके साथ कोई सिक्योरिटीज लगाई होती हैं, आपको यहाँ पर मोबाइल पर उसकी नोटिफिकेशन आ जाता है कंफर्म करने के लिए। तो यही होती है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट लेटर्स आर सेंड इन रिस्पॉन्स टू क्रेडिट ऑर्डर्स। ये किसके रिस्पॉन्स में सेंड किया जाता है? क्रेडिट ऑर्डर्स के रिस्पॉन्स में। ये भी आपने याद रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही इंग्लिश के पेपर में आती हैं, तो एज एन एमसीक्यूज और एज एन शॉर्ट क्वेश्चन आपने ये प्रिपेयर करनी चीज़ें। उसके बाद है फेवरेबल रिस्पॉन्सेज टू रूटीन क्लेम्स आर ऑल्सो नाउन एज एडजस्टमेंट्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए वॉट इज एडजस्टमेंट्स, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि फेवरेबल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं या क्लेम कह लें उसको हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं। उसके बाद है अवॉइड लेम एक्सक्यूजेस सच एज नोबडी इज परफेक्ट और मिस्टेक्स विल हैपन, ठीक है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि आपके कोई लेम एक्सक्यूजेस ना हो, ठीक है, कि हर किसी को आप जो है वो परफेक्ट नहीं कह सकते, मिस्टेक्स जो है वो हर पर्सन में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज टू रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट। उन्होंने कहा है कि दो टाइप होती हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स की, ठीक है, जब भी आप एज एन क्रेडिट रिक्वेस्ट काम करते हैं। फर्स्ट वन होती है अप्रूविंग क्रेडिट एंड सेकेंड वन होती है क्रेडिट रेफरेंसेस। अब आपने ये दो नाम याद रखने हैं। फर्स्ट जो होती है पॉजिटिव रिस्पॉन्स की टाइप वो होती है अप्रूविंग क्रेडिट और सेकेंड होती है क्रेडिट रेफरेंसेस। नेक्स्ट देखें, अब हमने इन टाइप्स को डिटेल में देखना है एज एन शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आपको क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आ सकता है। कैसे? सबसे पहले वो आपसे पूछ ले कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता क्या है, फिर वो आपसे कह देगा कि इसकी टाइप्स कितनी है, फिर कह देगा कि उसकी टाइप्स के बारे में बयान करें, ठीक है। कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना के आपको 5 मार्क्स का 8 मार्क्स का दे देगा। तो आपने ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक अप्रूविंग क्रेडिट और दूसरा होता है क्रेडिट रेफरेंसेस। जो क्रेडिट रेफरेंसेस होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, द इन्फॉर्मेशन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन प्रोवाइड डिटेल्स। क्रेडिट रेफरेंस के अंदर ये होता है कि उस बंदे के रेफरेंसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसका रेफरेंस होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, उसकी पूरी डिटेल होती है। जबकि जो क्रेडिट अप्रूवल्स होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, मार्क द बिगनिंग ऑफ अ बिजनेस रिलेशनशिप विद अ कस्टमर। हमारा उस कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप है हम उसको मार्क करते हैं क्रेडिट अप्रूवल्स के अंदर, ठीक है, हो गया। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ये याद रखना है कि जब हम अप्रूविंग क्रेडिट करते हैं उसमें ये चीज़ें होती हैं, तब अप्रूविंग क्रेडिट अप्रूव होता है जब ये चीज़ें हों, ओपन विद गुड न्यूज़ दैट क्रेडिट हैज़ बीन अप्रूव। आप एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ जो है वो अपने उसको अप्रूव कर ओपन करिए। एक्सप्लेन क्रेडिट अरेंजमेंट्स यूजिंग अ पॉजिटिव टोन, क्लोजिंग बाय एम्फोसिस द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बिजनेस विद द फेम, ठीक है। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रूविंग क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट रेफरेंसेस क्या। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा CS 610 के लेक्चर अवेलेबल हैं, CS 501 के लेक्चर्स अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर, और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा यानी CS 402 के अवेलेबल हैं। तो सारे लेक्चर्स जो हैं वो आप मेरे चैनल हब मास्टर पे क्लिक करें आइकन पे DP के ऊपर और मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आप चेक करें कौन कौन से लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अल्लाह हाफिज़।